तो आज जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है शेक्सपियर्स सिस्टर, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई है। वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही जाना माना निबंधात्मक लेख है जिसका नाम है द रूम ऑफ वंस ओन। तो ये कहानी उसी निबंध का एक पार्ट है, उसका ही एक एपिसोड है, तो आज हम यही कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम कहानी पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है नरेटर से, यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ही नरेटर हैं। तो आज हमारी नरेटर एक लाइब्रेरी में आ पहुँची हैं। अब लाइब्रेरी में किस मकसद से आई हैं वो हम समझ लेते हैं। यूँ कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और हमारी नरेटर खुद एक लेखिका हैं, तो इनके मन में एक सवाल उठा कि पुराने समय में जो समाज था वो किस प्रकार का था, उस समय क्या क्या होता होगा, लोग क्या करते होंगे। और यदि इन सवालों के जवाब हमें एक महिला की दृष्टि से देखने को मिले, मतलब एक महिला द्वारा लिखा गया साहित्य अगर पढ़ने को मिल जाए, तो एक लेखिका के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो कहते हैं ना कि महिला ही महिला को समझती है, तो पहले का समाज महिलाओं के प्रति कैसा था, तो इसका सबसे सटीक जवाब तो हमें किसी महिला द्वारा लिखे गए साहित्य में ही मिलेगा। तो इसी सोच के साथ आज हमारी नरेटर लाइब्रेरी पहुंची हैं कि पुराने ज़माने में जितनी भी विमेन्स राइटर हुई हैं आज उनके साहित्यों को पढ़ा जाए। अब वो लाइब्रेरी में जाकर ढूंढना स्टार्ट करती है। ढूंढते ढूंढते 2 घंटे बीत जाते हैं, पर उन्हें एक सिंगल बुक नहीं मिलती जो कि किसी महिला द्वारा लिखी गई हो। लाइब्रेरी की सारी शेल्व्स बस लेखकों के लेख से ही भरी हुई थी। इसके बाद नरेटर थोड़ी निराश हो जाती हैं, पर वो उम्मीद नहीं छोड़ती। वो सोचती हैं कि शायद थोड़ा आगे के समय की बुक्स ढूंढी जाएं। तो अब नरेटर एलिजाबेथन पीरियड के समय की बुक ढूंढने लगती हैं कि शायद किसी महिला ने कुछ लिखा हो। एलिजाबेथन पीरियड का मतलब है जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कुछ खंडों में बटा हुआ है, तो उन्हीं में से एक खंड का नाम है एलिजाबेथन एज या एलिजाबेथन पीरियड। ओके, तो एलिजाबेथन पीरियड में भी उन्हें कोई महिला के द्वारा लिखा गया साहित्य नहीं मिलता, और वो निराश हो जाती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। अब नरेटर घर पर आकर विचार करती हैं, और उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या सच में पुराने ज़माने की महिलाओं को लिखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होगी? क्या पुराने ज़माने में कोई ऐसी महिला ही नहीं हुई जिसको लिखने का शौक़ हो? क्या कभी किसी महिला को ऐसा नहीं लगा कि उसे अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने चाहिए? अब इसके बाद नरेटर खुद ही इन सवालों के जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि समाज में जब किसी लड़की ने कहा होगा कि उसे स्कूल जाना है, तो समाज के साथ उसके परिवार ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया होगा, जिस कारण वह साक्षर नहीं हो पाई और इसी कारण वो कुछ लिख नहीं पाई। चलो मान लेते हैं कि किसी महिला ने घर में ही पढ़ना लिखना सीख लिया, तो क्या उसे लेख लिखने की स्वतंत्रता दी गई होगी? क्या उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की छूट दी गई होगी? इसके बाद नरेटर कहती है, चलो मान लेते हैं कि किसी ने छुपते छुपाते कोई लेख लिख भी दिया होगा, तो फिर उस महिला का लेख पब्लिश क्यों नहीं किया गया और लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? समाज में ऐसे कौन से तत्व हैं जिसमें महिला के लेख विलीन हो गए, या कहें कि उनके लेखों को जानकर ही आगे नहीं बढ़ने दिया गया? उसके बाद नरेटर कहती हैं कि शायद किसी महिला के पास खुद का कमरा नहीं होगा जिसमें बैठकर वो विचार कर पाए और लिख पाए, तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि महिलाओं द्वारा लेख क्यों नहीं लिखे गए। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस महिला के पास पैसे की कमी हो, जिस कारण वो अपनी बुक पब्लिश ना करवा पाई हो। इसके बाद नरेटर ये साफ करते हैं कि यदि कोई महिला लिखना चाहती है और साहित्य में अपना योगदान देना चाहती है, तो उसके पास पैसे के साथ साथ उसका खुद का कमरा भी होना चाहिए जिसमें वह बैठकर बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने साहित्य पर काम कर पाए। इसके बाद लेखिका सोचती हैं,
विलियम शेक्सपियर के बारे में कि कैसे शेक्सपियर इतने महान जो लेखक हुए हैं, यदि इनकी कोई बहन होती जिसमें सेम इनके जैसे ही गुण होते और इनके जितने ही जीनियस होती, तो उस बेचारी का उस समाज में क्या होता? क्या वो शेक्सपियर की तरह फेमस हो पाती? और अपने विचारों में वो एक कहानी बनाती हैं, जिस कहानी में वो एक कैरेक्टर को क्रिएट करती हैं जिसका नाम होता है जुडिथ शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की बहन है विद द सेम जीन्स एंड क्वालिटीज। अब यहाँ से जुडिथ की कहानी शुरू होती है। जुडिथ एक अभी छोटी बच्ची है जो कि पढ़ना चाहती है, पर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसको पढ़ने नहीं भेज रही। उसके भाई को तो पढ़ने भेजा जा रहा है, पर जुडिथ अभी घर पर ही है। जब वह अपने पिताजी को लिखता हुआ देखती है तो उसके मन में भी लिखने की चाह उमड़ती है, मगर उसको लिखना नहीं सिखाया जाता। उसके बाद जुडिथ छुपते छुपाते प्रयास करती है लिखने का, और इन प्रयासों के बाद उसे थोड़ा बहुत लिखना आ भी जाता है। उसके बाद वो थोड़ी जिद करती है घर में, तो उसके माता पिता द्वारा ही उसको घर में ही पढ़ाया थोड़ा जाता है, जिसके कारण वो साक्षर बन जाती है, पढ़ना लिखना सीख जाती है। अब बचपन से ही वो लिखना चाहती थी, उसमें लिखने की चाह थी, तो जब भी वो कुछ लिखने बैठती है तो उसके सामने घर के काम आ जाते हैं। अब वो एक महिला है तो उसका परिवार उससे ये अपेक्षा करता है कि वो जल्द से जल्द घर के काम सीख जाए एक अच्छी लेडी की तरह, जिसके बाद उसकी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। और इन्हीं अपेक्षाओं के चलते वो कुछ लिख नहीं पाती और खुद को एक्सप्रेस करने का उसे समय नहीं मिलता। अब जैसे ही जुडिथ के परिवार के हालात कुछ सही होते हैं फाइनेंशियली, तो जुडिथ का परिवार उसके भाई के लिए तो एक अलग रूम बनवा देते हैं, पर जुडिथ के लिए नहीं बनवाते। अब वह सोचती है कि कितना अच्छा होता यदि उसका भी एक अपना पर्सनल रूम होता, जिसमें बैठ के वो विचार कर पाती और अपने लेख लिख पाती। अब समय बीतता जाता है और जुडिथ टीनेजर हो जाती है, टीनेज में आ गई है वो। इसके बाद उसका परिवार उसे फोर्स करने लगता है उसकी शादी के लिए। वो कहती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, पर कोई उसकी नहीं सुनता और मार पीट कर उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। वह अपने परिवार से भीख मांगती है कि उसकी शादी में पैसा ना लगाकर उसकी एजुकेशन में लगा दिया जाए, पर उसका परिवार नहीं सुनता। इन सब के बाद वो डिप्रेस्ड हो जाती है और अपनी शर्तों पर जीने के लिए घर से भाग जाती है। तो जैसे कि हमें पहले ही पता है कि जुडिथ को लिखने का बहुत शौक था और वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती रहती थी, तो इसलिए शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ राइटिंग। तो बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उसे एक थिएटर में जॉब मिल जाती है राइटिंग की, जिससे कि उसका गुजारा चलने लगता है। अब जिस ड्रामा कंपनी में जुडिथ काम करती है वहाँ पे ही एक मैनेजर भी है जिसके इरादे जुडिथ के प्रति ठीक नहीं है। अब ये मैनेजर किसी प्रोजेक्ट के बहाने जुडिथ को फंसाता है और उसको सेक्सुअली हैरेस करने लगता है, जिसके चलते जुडिथ प्रेग्नेंट हो जाती है। जुडिथ फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ती है, पर उसकी प्रेगनेंसी के चलते ये समाज उसको जीने नहीं देता और समाज के लोगों के ताने सुन सुनकर वो डिप्रेशन में आ जाती है और सुसाइड कर लेती है। तो इस तरह जुडिथ की कहानी ख़त्म हो जाती है और एक जीनियस का अंत हो जाता है, जो कि शायद समाज को बहुत कुछ दे सकती थी मगर उसको उचित अवसर नहीं दिए गए। इसके बाद नरेटर अपने थॉट से बाहर आती है और फिर से सवाल करती हैं कि समाज में महिलाओं की ऐसी हालत क्यों है, क्यों उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, क्यों उन्हें हमेशा एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। पुराने समय की महिलाओं में भी काबिलियत थी, वो भी साहित्य में अपना योगदान दे सकती थी, पर उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया, कभी उन्हें अच्छा एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड करवाया गया, जिसके कारण ना जाने हमने कितनी जुडिथ जैसी महिलाओं को खो दिया है। इस समाज में जाने कितनी जीनियस महिलाओं का अंत हुआ है, इसका डेटा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट्स के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।